डेली HD न्यूज। देश भर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इंदौर में महाशिवरात्रि का उल्लास से चरम पर दिखाई दिया। महाशिवरात्रि पर अधिकांश भक्त व्रत उपास भी रखते हैं। ऐसे सभी भक्तों को ध्यान में रखते हुए श्री गुटकेश्वर धाम सदगुरु परिवार न्यास द्वारा शिव भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर निःशुल्क खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया गया। श्री गुटकेश्वर धाम सदगुरु परिवार न्यास के अध्यक्ष पंडित धीरज शुक्ला, सचिव पंडित चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि शिवरात्रि पर रानी लक्ष्मीबाई चौराहा किला मैदान रोड पर शाम 7 बजे से फलहारी खिचड़ी प्रसाद का वितरण प्रारंभ किया गया, जो देर रात्रि तक जारी रहा। इस अवसर पर खातीपुरा राम मंदिर के महामंडलेश्वर महंत रामदास महाराज, पंडित कृपा शंकर शुक्ला, पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला बड़े भैया, राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्यन, विधायक पंडित रमेश मैंदोला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पंडित मनोज मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित थे। श्री गुटकेश्वर धाम सदगुरु परिवार न्यास के अध्यक्ष पंडित धीरज शुक्ला ने बताया कि शिव भक्तों को खिचड़ी प्रसादी का वितरण का यह प्रथम वर्ष है। गुटकेश्वर धाम सदगुरु परिवार न्यास वर्ष भर धार्मिक आयोजन करता रहता है। आज आयोजन में महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने अपने हाथों से भक्तों को खिचड़ी प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर न्यास एवं उपस्थित अतिथियों की ओर से भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कोरोना महामारी से पूर्ण मुक्ति की प्रार्थना भी की गयी। गुरु न्यास की ओर से यहाँ पर महाशिवरात्रि के अवसर पर खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। क्या किस रूप में देखते हैं ये जो सेवा कार्य हो रहा है, खिचड़ी प्रसाद वितरण किस रूप में देखते हैं? ये आज हमारे सनातन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ की आराधना होती है और आराधना के साथ साथ श्री सदगुरु सेवा न्यास गुटकेश्वर धाम के अध्यक्ष श्री धीरज शुक्ला जी, चंद्र प्रकाश दुबे जी एवं इनके समस्त साथियों के साथ आज खिचड़ी प्रसाद वितरण किया जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र की पूरी जनता आज बहुत बहुत खुश है और इनको आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं और बड़े प्रेम से जय श्री महाकाल बोल करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे धीरज शुक्ला जी। ये समय समय पर गुटकेश्वर महादेव की यात्रा भी निकालते हैं और कई पर्वों पर एक प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखते हैं। पिछले दिनों बीजासेन माता के पास में भी रखा था, आज यहाँ भी देख रहे हैं। इस प्रकार से ये सेवा कार्य में लगे रहते हैं। सेवा ही मानव का बहुत बड़ा धर्म है जो ये समस्त साथियों के साथ मिलकर के संपन्न कर रहे हैं। श्री गुटकेश्वर धाम सदगुरु परिवार न्यास द्वारा, पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, विगत 24 वर्षों से बाबा गुटकेश्वर महादेव की शाही पालकी सवारी निकाली जा रही है। अभी आपने बोला कि नवरात्रि में जो अपन ने महाप्रसादी का आयोजन जो किया था वो ब्रह्मलीन पंडित उमाशंकर जी मिश्रा की स्मृति में वहाँ पे महाप्रसादी का आयोजन किया था। आज आप यहाँ पे आयोजन देख रहे थे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। आज गुटकेश्वर धाम सदगुरु परिवार न्यास द्वारा सभी सम्माननीय पदाधिकारियों द्वारा आज महाप्रसादी का आयोजन किया गया। किस तरह से पूरी व्यवस्थाओं को संचालित किया जा रहा है और कब तक यह मतलब आयोजन कितनी देर तक जारी रहेगा? आयोजन का समय जो चुना गया शाम 7 बजे से रात में, जब तक भक्तगण आते रहेंगे जब तक बाबा गुटकेश्वर महादेव की महाप्रसादी का आयोजन चलता रहेगा। आपका नाम और पते दीजिए। संस्था अध्यक्ष धीरज शुक्ला।